हेलो स्टूडेंट्स, तो 11 फिजिक्स चैप्टर यूनिट एंड मेजरमेंट का हम नेक्स्ट लेक्चर लेकर आज फिर यहां पर हैं। और आज का जो टॉपिक है वो है हमारा ड्राइव एनी फॉर्मूला बाय यूजिंग डायमेंशनल एनालिसिस, यानी जो भी फॉर्मूला हमें ड्राइव करना है वो हमें डायमेंशनल एनालिसिस के थ्रू करना है, मतलब डायमेंशनल का यूज करना है। ठीक है, इससे लास्ट लेक्चर में भी मैंने एक आपको ड्राइव करके दिखाया था, तो ये एक इंपॉर्टेंट टर्म्स है जो आना चाहिए। तो इसी को क्लियर करने के लिए मैं आगे और आपको कुछ एग्जांपल देता हूं ताकि आप इजीली इसे ड्राइव कर सके, क्योंकि 11th में स्टूडेंट आते ही एक ये नई चीज आती है ड्राइव करने के लिए, तो बच्चे कंफ्यूज होते हैं थोड़ा, तो इसीलिए मैं इसको और थोड़ा क्लियर करने की कोशिश करता हूँ आपके सामने। तो देखिए, ड्राइव बनाना फॉर्मूला, तो सपोज करो कि हमें एक फॉर्मूला बनाना है, फाइंड फॉर्मूला फॉर मास, फाइंड फॉर्मूला फॉर फोर्स, फोर्स के लिए बना लेते हैं, ठीक है, दैट इज डिपेंड मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट एम, ठीक है, और एक्सिलरेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो ये फॉर्मूला आपने पढ़ा भी होगा, एफ इजिकल टू एम ए, ठीक है, तो हम देखते हैं कि एफ इजिकल टू एम ए यानी एम ए आता है या एम बाई ए आता है, तो चेक भी हो जाता है, ये कर लेते हैं हमसे। तो हमें फॉर्मूला देखिए, सबसे पहले क्या रखना पड़ता है, बहुत सिंपल कंसेप्ट है कि सबसे पहले फोर्स है, तो यहाँ लिखिए फोर्स के लिए फॉर्मूला ड्राइव करना है, दैट इज डिपेंड ऑन मास ऑफ ऑब्जेक्ट एंड एक्सीलरेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, ठीक है, क्लियर है। तो हमें क्या करना पड़ता है, यहाँ डायमेंशन चढ़ाते हैं, डायमेंशन द पावर। अब देखिए यहाँ पर डायमेंशन आप कुछ भी लिख सकते हैं, ए भी नहीं लिख सकते क्योंकि ए को लिखेंगे तो ए है, या फिर ए कैपिटल में लिख लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, या फिर आप लिख लीजिए यहाँ एक्स वाई, ठीक है, दी जाती पावर, तो दैट विल बी द फॉर्मूला बनेगा। अगर हमें एक्स और वाई की पावर पता चल जाए तो हम फोर्स का फॉर्मूला बता सकते हैं आपको क्या आता है, एफ इजिकल टू एम ए आता है, एम बाई ए आता है, एम स्क्वायर ए आता है, तो इस तरह से निकालेंगे। तो देखिए हम क्या कर सकते हैं, तो हम इसको एक कांस्टेंट के साथ लिख सकते हैं, v इक्वल टू k m की पावर x और y की पावर a, ठीक है, विद कांस्टेंट लिख लिया हमने। अब यहां से जो नेक्स्ट स्टेप होता है उसमें क्या करना, राइट द डायमेंशन ऑन बोथ साइड, राइट द डायमेंशन, फॉर्मूला ही होता है, ठीक है, फॉर्मूला रखना है, डायमेंशन तो पावर होते हैं, डायमेंशन फॉर्मूला, फॉर्मूला लिख लीजिए ऑन बोथ साइड, ठीक है, बोथ साइड के डायमेंशन फॉर्मूला लिख दीजिए। फोर्स का आपको पता होगा डायमेंशन फॉर्मूला क्या था, एम एल टी माइनस टू, के कांस्टेंट है, इसकी कोई प्रॉब्लम नहीं है, एम दैट इज मास पावर एक्स एंड एक्सीलरेशन का होता है एल टी माइनस टू, क्लियर होगा, इस तरह से हमें पावर रखनी है, मास रखनी है। अच्छा, अब देखते हैं यहां पर एम एल टी माइनस टू, देखिए एम पर पावर यहां चेक करते हैं तो एम पर केवल एक्स ए की पावर है, अच्छा एल पर पावर चेक करते हैं तो देखो एल पर आपकी जो पावर है वो वाई है, और टी पर जो पावर चेक करते हैं तो माइनस टू ए रहा, तो टी पर पावर है माइनस टू वाई, क्लियर हो गया। पावरों को पावर कैसे सेट करते हैं, ठीक है, एम पर एक्स, एल पर वाई और टी पर माइनस टू वाई। अब यहां से आगे क्या करना होता है, कंपेयर दी पावर, यानी दोनों तरफ की पावरों की हम कंपेयर कर लेते हैं, कंपेयर द पावर, यानी पावरों की कंपेयर करनी है बस केवल हमें, तो इधर देखिए इधर कुछ नहीं होता तो वन होता है, इधर भी वन, तो इसका मतलब जो एम पर पावर है वो वन के इक्वल है, सो वी कैन राइट इट एक्स इजिकल टू वन एंड अगेन वाई इजिकल टू वन एंड माइनस टू वाई इजिकल टू माइनस टू, दैट इज माइनस कैंसिल, वाई इजिकल टू वन, तो देखो यहां भी वाई इजिकल टू वन और यहां भी वाई इजिकल टू वन आ रहा है, तो सिंपल है। तो राइट द पावर्स इन फर्स्ट इक्वेशन, so we can write it f proportional m की पावर 1 एंड a की पावर 1, या फिर आप यहां भी रख सकते हैं इसे f is equal to k m a, ठीक है, k कोई कांस्टेंट है और यहां पर अगर हमें पता है तो k की वैल्यू यहां पर 1 है, तो आपका फॉर्मूला हो गया f is equal to ma, ठीक है, कंसेप्ट समझ रहे हैं हमें, फॉर्मूला तो किसी के लिए ड्राइव कर, तो बहुत सिंपल सा कंसेप्ट होता है कि जो फॉर्मूला ड्राइव करना है हमें यहां रखना है,
किन किन बातों पर डिपेंड करता है वो इधर रखना है। आफ्टर दैट पावर, और पावर के बाद एक कॉन्स्टेंट लिखकर राइट द डायमेंशन ऑन बोथ साइड एंड कम पावर को सेट करते हैं, बाद में कंपेयरिंग द पावर करते हैं, पावर फाइंड करने के बाद यहाँ पर पुट करते हैं एंड वी कैन गेट द फॉर्मूला बाई यूजिंग डायमेंशनल एनालिसिस। क्लियर हो गया? चलो और एग्जाम्पल कर लेते हैं। तो और इसमें चलो कोई नहीं, इसको तो मैंने रख कर दिया, यहाँ से देख लेते हैं। ठीक है, और एग्जाम्पल देखते हैं। सपोज करो कि हमें फॉर्मूला ड्राइव करना है फोर्स के लिए, लेकिन कौन सी फोर्स? सेंट्रीपिटल फोर्स के लिए। तो फॉर्मूला ठीक है, फाइंड फॉर्मूला फॉर सेंट्रीपिटल फोर्स। ठीक है, सेंट्रीपिटल फोर्स होती है जो सेंटर पर लगती है जब वेन एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग इन अ सर्कुलर, एक सर्कुल पाथ में होती है, एक सेंट्रीपिटल फोर्स लगती है टुवर्ड्स द सेंटर। तो फाइंड फॉर्मूला फॉर सेंट्रीपिटल फोर्स एफ, और दैट इज डिपेंड मास ऑफ ऑब्जेक्ट velocity of object, velocity of object ठीक है, and radius of circle। circle या path जो भी वो बना हुआ है ठीक है, ऐसे निकालना है। मैं तो हमें पता चल गया force के लिए formula type करना है, F लिख लीजिए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, कहाँ कहाँ डिपेंड कर रहा है, एक तो मास पर डिपेंड कर रहा है, एक वेलोसिटी पर भी डिपेंड कर रहा है, एक रेडियस पर भी डिपेंड कर रहा है। इसकी पावर ए मान लीजिए, इसकी बी मान लीजिए, इसकी सी, एक्स वाई जेड कुछ भी मान सकते हैं ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो हम इसको वी कैन राइट इट दिस टाइप, एफ इज इक्वल टू के एम पावर ए, वी पावर बी एंड आर पावर सी। क्या करना होता है तो आपको पता है इससे आगे। सबसे पहले क्या करना है, राइट द डायमेंशन फॉर्मूले ऑन बोथ साइड, तो लिख लीजिए इसे, राइट द डायमेंशन फॉर्मूला ठीक है, शॉर्टकट में लिख दिया, राइट द डायमेंशन फॉर्मूला ऑन बोथ साइड। चलो बोथ साइड के डायमेंशन फॉर्मूले लिखते हैं, एम एल पी माइनस टू इज इक्वल टू के कॉन्स्टेंट है, मास एम, वेलोसिटी एल टी माइनस वन, और रेडियस एल दैट इज सी। आफ्टर दैट व्हाट द प्रोसेस, आफ्टर दैट क्या करना होता है पता है आपको, पावर को सेट करना है। पावर को चेक करते हैं, तो यहां पर लिखेंगे एम एन टी माइनस टू, दैट एम पर पावर चेक करो तो एम पर पावर ओनली ए है, एल पर पावर देखिए बी है, और एक देखो एल पर पावर सी भी है, तो हम इसे लिख सकते हैं बी प्लस सी, और टी पर पावर चेक करते हैं तो टी पर पावर है माइनस बी। क्लियर है? तो यहां देखिए कंपेयर करनी होती है पावरों की, यहां पर कंपेयर करते हैं, कंपेयर द पावर, तो पावर की कंपेयर कर लीजिए, ये वन है ये भी वन है, तो देखिए जो एम पर है, एम पर वहां ए है, यहां वन है, तो ए की वैल्यू तो वन आ गई आपकी, सिंपल सिंपल। यहां वन है, वहां बी प्लस सी है, तो बी प्लस सी इज इक्वल टू वन ठीक है, एंड वहां देखिए वो है माइनस बी, माइनस बी इज इक्वल टू माइनस टू, दैट इज कैंसिल, तो b की वैल्यू यहाँ 2 आई है, a की वैल्यू 1, b की वैल्यू 2, और यहाँ पर रखेंगे तो हमें c की वैल्यू मिल जाएगी, b plus c is equal to 1, तो 2 plus c is equal to 1, so c is equal to 1 minus 2, so c की वैल्यू minus 1, ठीक है, तो a, b, c की वैल्यू फाइंड हो गई, a की 1, b की 2, and c की minus 1, putting in this equations and get the formula, f is equal to k, एम बी आर, ए की वैल्यू चेक कर लीजिए 1 आई है, बी की वैल्यू 2 आई है, और सी की वैल्यू माइनस 1 आई है ठीक है, के कॉन्स्टेंट है, लिख सकते हैं तो हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, एफ इज इक्वल टू के एम बी स्क्वायर बाई आर, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ सेंटीमीटर फोर्स। यहां पर भी के की वैल्यू 1 ही होती है, तो ये हो गया एफ इज इक्वल टू एम बी स्क्वायर बाई आर।
ठीक है, क्लियर हो गया होगा किस तरह से हमें फॉर्मूले ट्रैक करने होते हैं। ठीक है, और एक ले लीजिए एग्जांपल, फाइंड फॉर्मूला फॉर सरफेस टेंशन। ठीक है, सरफेस टेंशन के लिए फॉर्मूला टाइप करना है, दैट इज डिपेंड ऑन एनर्जी वेलोसिटी। ठीक है, एनर्जी वेलोसिटी एंड टाइम। एनर्जी वेलोसिटी और टाइम पर डिपेंड करता है। तो ठीक है, तो इन्हीं के टर्म्स में निकाल लेंगे, फंडामेंटल क्वांटिटी के टर्म्स में, इन्हें हम फंडामेंटल मान लेंगे और इन्हीं के टर्म्स में हम निकाल लेंगे। तो देखिए फॉर्मूला सरफेस टेंशन के लिए निकालना है तो उसको हम एस लिख लें, एस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एनर्जी वेलोसिटी एंड टाइम। अरे सुनिए, ये फंडामेंटल मान लिया तो इसको ए मान ले, इसको बी मान ले, इसको टी मान लेते हैं। तो पावर ए बी एंड सी, तो वी कैन राइट इट एस इज इक्वल टू के ई की पावर ए, वी की पावर बी एंड टी की पावर सी। दैट इज द इक्वेशन फर्स्ट, प्रोसेस वही है, राइट द डायमेंशन ऑन बोथ साइड। तो देखिए क्या करना है, सरफेस टेंशन क्या होता है, एम टी माइनस टू, नहीं पता तो निकाल लीजिए आगे, वहां पता है एम टी माइनस टू। ठीक है, एनर्जी, एनर्जी का पता है आपको क्या होता है, एम एल टू टी माइनस टू। वेलोसिटी, वेलोसिटी का होता है एल टी माइनस वन, और टाइम पर टी होता है। क्या करना है, पावरों को सेट करना है, पावर को सेट कर लीजिए वहां एम टी माइनस टू। एम देखिए, एम पर पावर केवल ए है, एल पर पावर चेक कीजिए, देखिए एल पर पावर यहाँ टू है और ये ए है, तो टू है तो ये हो गई, यहाँ पर एक बी हो गई। अब टी की बात कर लें तो टी माइनस टू है तो ये हो गई, और प्लस सी ये वाली हो गई। आफ्टर दैट बताइए क्या करना है, कंपेयर करना है इसका, पावरों का कंपेयर पावर्स। चलो जी करिए, ए की वैल्यू वन, टू ए प्लस बी इज इक्वल टू जीरो क्योंकि एल यहां है ही नहीं, एंड माइनस टू ए प्लस सी इज इक्वल टू माइनस टू। ठीक है, आप देखिए कैसे निकालेंगे, यहां ये टू ए प्लस बी और यहां ए की वैल्यू रख ले हूं, तो टू ए प्लस बी इज इक्वल टू जीरो, सो टू इंटू वन प्लस बी इज इक्वल टू जीरो, सो बी की वैल्यू माइनस टू, और ऐसे यहां से सी की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, माइनस टू इंटू वन प्लस सी इज इक्वल टू माइनस टू, तो माइनस टू प्लस सी इज इक्वल टू माइनस टू, माइनस टू से माइनस टू कैंसिल, सी इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, माइनस टू ए माइनस टू प्लस सी इज इक्वल टू माइनस टू, क्लियर हो गया। तो अब लिख दीजिए पावरों को, तो ये हो गया आपका एस इज इक्वल टू के ई वी टी, तो ई की पावर यानी ए की पावर क्या आई है, ए की पावर वन आई है तो वन लिख दिया, बी की पावर क्या आई है, बी की पावर माइनस टू आई है, और टी, टी तो जीरो आया है। ठीक है, तो ये पावर वन ये टू एक बार चेक कर लीजिए, टी की पावर को चेक कर लीजिए, टी की जीरो आ रही है, दैट इज टी, देखिए एम एल टी की पावर माइनस टू ए, टी की पावर माइनस वन, देखिए आ रही नहीं है, टी की पावर माइनस वन यानी माइनस बी प्लस सी, क्लियर हो गया ना। देखिए टी यहाँ पर भी है माइनस टू ए, टी माइनस वन यहाँ पर भी है, और टी की सी यहाँ पर, टी पर तीन पावर है, तो दैट इज वी कैन राइट इट, इसे लिख सकते हैं हम माइनस टू ए माइनस बी प्लस सी इज इक्वल टू माइनस टू। ठीक है, अब निकाल लीजिए सी की वैल्यू यहां से,
क्योंकि फंक्शन गायब नहीं हुआ, गायब हुआ वहां से, तो माइनस टू ए माइनस बी प्लस सी इज इक्वल टू माइनस टू, ए की वैल्यू वन आ चुकी है, तो माइनस टू माइनस बी की वैल्यू माइनस टू प्लस सी इज इक्वल टू माइनस टू, तो माइनस टू प्लस सी इज इक्वल टू माइनस टू, दैट इज कैंसिल, सी की वैल्यू माइनस टू। क्लियर है? ठीक है, आगे ना सुन, टी की वैल्यू देखिए, टी पर तीन टर्म्स है, माइनस टू ए माइनस बी एंड सी, तो सी की वैल्यू माइनस टू, बी की वैल्यू माइनस टू एंड ए की वैल्यू वन, तो वी कैन राइट इट दैट द फॉर्मूला इज एस इज इक्वल टू के ई वी एंड टी, पावर चढ़ा दीजिए, ए की वैल्यू आई आपकी वन, वी की वैल्यू माइनस टू एंड पी की वैल्यू ऑल्सो माइनस टू। तो क्लियर हो गया कंसेप्ट हमारा, ठीक है ना, कोई डाउट तो नहीं है, आराम से इजीली सोल्व कर सकते हैं, पावर चेक कर लीजिए यहां से। तो ये कंसेप्ट था हमारा, ड्राइव द फॉर्मूला फॉर डायमेंशनल एनालिसिस। ठीक है, तो ये हमें आप कितने भी क्वेश्चन कर लीजिए, आप इजीली कर सकते हैं, फिर समझ लीजिए। सबसे पहले जहां मतलब जिस क्वांटिटी के लिए आपको फॉर्मूला फाइंड करना है उसको किसके लिए लिख लीजिए, दैट इज डिपेंडनेस, जहां पर वो डिपेंड करती है पावरों को। ठीक है, ए बी सी डी फोर हो तो फोर कर लीजिए। आफ्टर दैट राइट द डायमेंशन फॉर्मूले ऑन बोथ साइड, जब आपने रख लें तो इजीली पावरों को कंपेयर करें, और पावरों को कंपेयर करके ए बी सी जो भी पावर आपने मानी है, ए बी सी एक्स वाई जेड पी क्यू आर, आप उनकी वैल्यू निकाल लें, एंड पुटिंग दिस वैल्यू इन दिस इक्वेशन यू कैन गेट द फॉर्मूला। ठीक है, तो उसमें कितने भी एग्जाम्पल ले लो, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन आपको लगता है कि ये बिल्कुल क्लियर हो गया होगा आपका। अच्छा, कुछ इसकी लिमिटेशन भी है, मतलब डायमेंशन एनालिसिस से हम सोचे कि हर एक फॉर्मूला बना देंगे, हर एक फॉर्मूला नहीं बना सकते, तो कुछ लिमिटेशन है हमारी इसमें। लिमिटेशन, फर्स्ट लिमिटेशन क्या है कि एक तो ये देखो कॉन्स्टेंट की वैल्यू फाइंड नहीं कर पाता है। ठीक है, इट कैन नॉट फाइंड वैल्यू ऑफ कॉन्स्टेंट टर्म्स, जिसको आप कॉन्स्टेंट मानते हो उसके बारे में कुछ नहीं बता सकता है। ठीक है, प्रोपोर्शनल कॉन्स्टेंट लेते हैं ना, तो उसके बारे में k के बारे में क्या बताता है, कुछ नहीं बताता। सेकेंडली, ये देखो कहां पर फ्लॉप होता है, अगर आप जिसके लिए फॉर्मूला निकाल रहे हो उसमें कोई ऐसी क्वांटिटी मिल जाए जो डायमेंशन लेस हो, तो वहां भी ये काम नहीं कर सकता। तो इट कैन नॉट फाइंड या इट कैन नॉट यूज फॉर डायमेंशन लेस, ठीक है, डायमेंशन लेस क्वांटिटीज पर भी काम नहीं करता है। थर्ड, ऐसे ट्रिग्नोमेट्री रेशो हुए, एक्स पोटेंशियल हुए, उन पर भी काम नहीं करेगा, ये ट्रिग्नोमेट्री रेशो पर भी काम नहीं करता है। नॉट यूज फॉर ट्रिग्नोमेट्री रेशो, ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री पर। और एक लास्ट कंडीशंस, इसमें एक और लिमिटेशन है कि ऐसी भी क्वांटिटी को के लिए भी यूज नहीं होता है कि एस इजिकल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, आप बोलेंगे इस फॉर्मूले को ड्राइव करना है हमें डायमेंशनल एनालिसिस से, तो इसमें काम नहीं करता है। बाकी वैसे ये है कि हम इसको हम फॉर्मूला ड्राइव कर लेते हैं प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी से, तो इसके दो पार्ट कर लेते हैं, तब हम इसे इजीली सोल्व कर सकते हैं, अदरवाइज ऐसे सोल्व नहीं कर सकते डायरेक्टली जैसा अभी कर रहे थे। अरे समझ, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या कहते हैं, दिस इक्वल टू दिस एंड दिस इक्वल टू दिस, तो दो दो पार्ट मान लेंगे इसको, एक पार्ट ये मान लेंगे और एक पार्ट उसके साथ मानेंगे, तब जाकर हम इसे डायमेंशन का यूज करें तो दो कर सकते हैं। और आप सोचेंगे डायरेक्टली अब यूज कर लें ऐसे यू टी जी और टी ऐसे करके, तो ऐसे पॉसिबल नहीं है। तो ये थे हमारे इसकी लिमिटेशन जहां पर हम यूज नहीं कर पाते हैं, और ये ड्राइव द फॉर्मूला का कंसेप्ट था। इसके बाद नेक्स्ट हम पढ़ते हैं हम सिग्निफिकेंट फिगर। ठीक है, सिग्निफिकेंट फिगर, तो सिग्निफिकेंट फिगर दीज आर
मेजर्ड वैल्यू, ठीक है, ये मेजर्ड वैल्यू होती है ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है, दीज आर रिफर टिल, ठीक है, द नंबर ऑफ डिजिट ऑन विच वी आर कॉन्फिडेंट। ठीक है, इसका क्या मतलब होता है कि सपोज करो हमने एक कोई फिजिकल क्वांटिटी की मेजर्ड वैल्यू फाइंड करी हमने, ठीक है, मेजर वैल्यू फाइंड कर ली, तो ये उन डिजिटों के बारे में बता देता है कि जिनके बारे में हम कॉन्फिडेंट हैं, मतलब हम बोल सकते हैं कि भाई यहां तक तो हम सही हैं, ठीक है ना, विच वी आर कॉन्फिडेंट। तो उन वैल्यू के बारे में जाके कोई भी नंबर मेजर करा कि इनके बारे में हम कॉन्फिडेंट हैं, और सेकेंड लार्जर द वैल्यू ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर लार्जर द वैल्यू ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर शो एक्यूरेसी, ठीक है ना, यानी उसके बारे में हम एक्यूरेट हो जाते हैं कि जहां तक हम बता रहे हैं कि वो एक्यूरेट है। तो इसमें कुछ इसके रूल्स हैं जिन्हें हम याद कर सकते हैं, बहुत सिंपल से रूल्स हैं। तो फर्स्ट रूल्स क्या है, ठीक है, ये तो सिग्निफिकेंट फिगर करते हैं, फर्स्ट रूल्स है ऑल नॉन जीरो आर सिग्निफिकेंट। सबसे पहला जो आपको याद रखना है वो है ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट, ठीक है, यानी हम बोले आपके जैसे कि 1 2 3 4, तो हाउ मेनी सिग्निफिकेंट फिगर, तो आप बता सकते हो 4 सिग्निफिकेंट फिगर। हम बोले 1 3 2, तो देयर आर 3 सिग्निफिकेंट फिगर, यानी ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट फिगर। क्लियर हो गया होंगे, ये फर्स्ट था। और देखिए इसमें सेकेंड लेते हैं, जीरो बिटवीन टू नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट, ठीक है, इसका मतलब होता है कि सपोज करो आपके पास ये 1 है, ये 0 है, ये 0 है और ये 2 है, तो हम पूछे आपसे हाउ मेनी सिग्निफिकेंट फिगर, तो यहां पर है 4 सिग्निफिकेंट फिगर, ठीक है ना, ऑल 0 आर सिग्निफिकेंट इफ दे आर बिटवीन टू नॉन जीरो डिजिट्स, दो नॉन जीरो के बीच में 0 आएंगी तो सब सिग्निफिकेंट हो जाती है। जैसे बोले 3 0 1, तो इसको भी हम बोल सकते हैं कि ये है 3 सिग्निफिकेंट फिगर। तो थर्ड ले लेते हैं, थर्ड है लीडिंग जीरो होती है जो रेशियल जीरो होती है आर नॉट सिग्निफिकेंट फिगर, ठीक है, शॉर्ट कट में लिख देते हैं सिग्निफिकेंट फिगर, यानी जैसे हम बोले 0.012, तो हाउ मेनी सिग्निफिकेंट फिगर, ओनली 2 सिग्निफिकेंट फिगर, ठीक है, क्लियर। फोर्थ ले लीजिए, इसी में ही आफ्टर जीरो यानी लास्ट वाली जीरो या ट्रेलिंग जीरो, ठीक है, आफ्टर जीरो ओनली सिग्निफिकेंट फिगर व्हेन नंबर हैज डेसिमल, ठीक है, अगर नंबर के पास डेसिमल हो तब पॉसिबल है, यानी हम बोले कि 1.200, तो हाउ मेनी सिग्निफिकेंट फिगर, 4 सिग्निफिकेंट फिगर, और अगर हम बोले 1200 तो केवल है 2 सिग्निफिकेंट फिगर, ठीक है, ये वाली लास्ट वाली जीरो जब भी काउंटेबल है, अगर ये डेसिमल है, अगर विदाउट डेसिमल है तो ये काउंटेबल नहीं है।
अच्छा मैग्नीट्यूड की बात कर लेते हैं, इसमें एक मैग्नीट्यूड की होती है, जैसे बोलो 130 और इसको हम लिखे 1.3 × 10^2, तो हाउ मेनी डिग्री, हाउ मेनी, तो देखो यहाँ भी समझ आ रहा है ओनली टू सिग्निफिकेंट फिगर, तो ये भी क्लियर है। और जो कॉन्स्टेंट फिगर जो होती है उनमें सिग्निफिकेंट इन्फिनिटी होती है, याद रखना है कॉन्स्टेंट में इन्फिनिटी होती है, जैसे सी 3 × 10^8 स्पीड ऑफ लाइट, तो इसमें क्या है इनफाइनाइट, ठीक है।